इस वक्त जो गिद्ध आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह भूख से तड़प रहा है और उसे इंतजार है एक पारसी व्यक्ति के शव का, जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटा सके। ये वे लोग हैं जो एक पारसी के शव को इस गिद्ध को खिलाने वाले हैं। यह सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन यह सच है। सर, रतन टाटा पारसी धर्म से थे और इस धर्म में सदियों पुरानी एक परंपरा है जिसमें यदि कोई पारसी व्यक्ति दुनिया से विदा लेता है तो उसके शव को गिद्धों को खिलाया जाता है। हालांकि यह परंपरा जितनी डरावनी लगती है, इसके पीछे का सच उससे भी अधिक रहस्यमय और चौंकाने वाला है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको इसके बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि सर रतन टाटा एक महान व्यक्ति थे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यह है हिंदू धर्म का दाह संस्कार और यहाँ इस्लाम धर्म में शव को दफनाने की परंपरा निभाई जा रही है। अब आप देख रहे हैं पारसी धर्म का टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ गिद्धों का जमावड़ा है। इसका कारण यह है कि वे एक पारसी व्यक्ति के शव का इंतजार कर रहे हैं, जिसे खाकर वे अपना पेट भर सकें। सभी धर्मों में अंतिम संस्कार के तरीकों में विविधता पाई जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में शव का दाह संस्कार होता है, वहीं इस्लाम में उसे दफनाया जाता है। इसी तरह पारसी धर्म में भी अंतिम संस्कार का एक अलग तरीका है। इसमें शव को जलाने या दफनाने की बजाय टावर ऑफ साइलेंस पर रखा जाता है, जो एक गोलाकार इमारत होती है जिसे दखमा भी कहा जाता है। शव को खुले आसमान के नीचे सूरज की धूप में रखा जाता है, जहां गिद्ध, चील और कौवे उसे खा जाते हैं। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की एक प्राचीन और अनूठी परंपरा है, जिसे दोख विनाशिनी कहा जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव को प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाता है। पारसी अनुयायियों का यह मानना है कि शव को जलाने या दफनाने से प्रकृति प्रदूषित होती है और उसे नुकसान पहुंचता है, जबकि दोख विनाशिनी की इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति को कोई हानि नहीं होती। इसके बजाय यह विधि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, क्योंकि इसमें चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों को भोजन मिलता है, जिससे उनका पेट भरता है। यह परंपरा लगभग 3000 साल पुरानी है और पारसी धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक मानी जाती है। पारसी समुदाय में शवों के निपटारे के लिए कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। यह एक गोलाकार खोखली इमारत की तरह होती है, जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जब किसी पारसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके शव को पहले विधिपूर्वक नहलाया धुलाया जाता है, फिर उसे इस टावर ऑफ साइलेंस में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पारसी धर्म में दोख विनाशिनी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है शवों का नाश। इसमें शव को आकाश में दफनाया जाता है, अर्थात शव को खुले में रख दिया जाता है, ताकि सूरज की धूप और मांसाहारी पक्षी जैसे कि गिद्ध और चील उसे खाकर प्राकृतिक रूप से नष्ट कर सकें। पारसी समुदाय की इस परंपरा में यह विश्वास निहित है कि शव को जलाने या दफनाने से मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होती है, जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। इसके विपरीत दोख विनाशिनी के जरिए शवों का निपटारा करने से प्रकृति को किसी प्रकार की हानि नहीं होती और साथ ही इससे गिद्ध और अन्य मांसाहारी पक्षियों को भी भोजन मिलता है। यह एक ऐसी परंपरा है जो मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के चक्र के साथ जोड़ती है, जिससे दोनों को फायदा पहुंचता है। हालांकि हाल के वर्षों में इस परंपरा के पालन में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आई है, जिसने पारसी समुदाय के पारंपरिक अंतिम संस्कार के तरीकों को बाधित कर दिया है। पिछले कुछ दशकों में गिद्धों की आबादी में लगभग 99% की गिरावट आई है, जिसका कारण मुख्य रूप से कीटनाशकों का इस्तेमाल और उनके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है। गिद्धों की इस घटी हुई आबादी ने पारसी धर्म की सदियों पुरानी अंतिम संस्कार प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है, खासकर मुंबई जैसे शहरों में, जहां पारसी समुदाय के लोग इस परंपरा का सम्मान पूर्वक पालन करना चाहते हैं। गिद्धों की घटती संख्या से पारसी समुदाय के लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद
उनके शवों के सम्मान पूर्वक निपटारे को लेकर काफी चिंतित हैं। इस परंपरा के प्रति उनकी आस्था के बावजूद गिद्धों की कमी ने दखमा के कार्यान्वयन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यह स्थिति पारसी धर्म के अनुयायियों को इस परंपरा को बनाए रखने के नए और वैकल्पिक उपाय खोजने की दिशा में प्रेरित कर रही है, ताकि वे अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार को उसी आदर और श्रद्धा के साथ कर सकें जो उनकी संस्कृति और धर्म का हिस्सा है। नई पीढ़ी के कई पारसी अब इस परंपरा को लेकर अलग विचार रखते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके प्रियजन का शव कई दिनों तक खुले में पड़ा रहे। यही कारण है कि पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार के तरीकों में बदलाव देखा जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने से पारसियों की जन्म मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड रखने वाली पसियाना मैगजीन के अनुसार वर्ष 2018 में कुल 720 पारसियों का निधन हुआ था, जिनमें से 647 का अंतिम संस्कार पारंपरिक रूप से दखमा या टावर ऑफ साइलेंस के जरिए किया गया था, जबकि 73 पारसियों को दफनाया गया। मुंबई में वर्तमान में पारसी समुदाय के पास अंतिम संस्कार के 3 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला है पारंपरिक दखमा पद्धति, जिसमें शव को टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है ताकि गिद्ध और अन्य मांसाहारी पक्षी उसे खा सकें। दूसरा विकल्प शव को दफनाना है और तीसरा विकल्प शव का दाह संस्कार करना है। यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ पारसी परिवार अब इस परंपरा के बजाय आधुनिक तरीकों को अपना रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट साइरस मिस्त्री का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार पारसी परंपरा के तहत न करके वली के इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में किया गया था, जबकि उनके पिता का, जो साइरस मिस्त्री के निधन से करीब 2 महीने पहले गुजरे थे, अंतिम संस्कार पारंपरिक टावर ऑफ साइलेंस में किया गया था। इसी तरह रतन टाटा का अंतिम संस्कार भी वली स्थित शमशान में दाह संस्कार के माध्यम से किया गया, और इसके पीछे एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी है जो जेआरडी टाटा से जुड़ी है। यह कहानी 1980 के दशक की है, जब जेआरडी टाटा के भाई बीआरडी टाटा का निधन हुआ था। उस समय जेआरडी ने मुंबई के म्यूनिसिपल कमिश्नर जमशेद कांगा से यह सवाल किया था कि उनके भाई के अंतिम संस्कार के लिए कौन सा शमशान घर बेहतर रहेगा। यह सवाल तब से ही इस परंपरा में बदलाव की तरफ इशारा करता है। यह घटना न सिर्फ परिवार के प्रति जेआरडी टाटा की संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि पारसी समुदाय के कई लोग अब अपनी पुरानी परंपराओं और आधुनिक तरीकों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जेआरडी टाटा की इस घटना का असर रतन टाटा के अंतिम संस्कार पर भी पड़ा, और इसी कारण उन्हें पारसी परंपरा के अनुसार दखमा में न रखकर शमशान में दाह संस्कार किया गया। पारसी समुदाय की यह बदलती प्रवृत्ति यह दिखाती है कि भले ही परंपराएं सम्मानित और महत्व रखती हों, लेकिन समाज की बदलती सोच और परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव भी आवश्यक हो सकता है। प्रसिद्ध उद्योगपति होने के नाते जेआरडी टाटा के भाई के अंतिम संस्कार में कई गणमान्य लोग शामिल होने वाले थे, इसलिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो सकें। उस समय मुंबई के कुछ शमशान घरों को अपग्रेड करने के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि अन्य की हालत काफी जर्जर थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए दादर में एक शमशान घर की सफाई कराई गई ताकि वहां अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन जब मुंबई के म्यूनिसिपल कमिश्नर जमशेद कांगा जेआरडी टाटा को सांत्वना देने पहुंचे, तो जेआरडी ने उनसे कहा कि मुंबई में शमशान घरों की सुविधाओं में सुधार की जरूरत है। यह बात कांगा को काफी बुरी लगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस दिशा में एक नई पहल की। मुंबई के कई शमशान घरों में से वर्ली का शमशान घर सबसे उपयुक्त था, क्योंकि वहां पर्याप्त जगह थी और यह दक्षिण मुंबई में स्थित होने के कारण पारसियों के लिए सुविधाजनक था। जमशेद कांगा ने वर्ली में एक प्रेयर हॉल बनाने की योजना बनाई ताकि वहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और बेहतर ढंग से की जा सके। हालांकि इससे पहले कि यह प्रोजेक्ट शुरू होता, कांगा का तबादला हो गया, जिससे यह योजना अधूरी रह गई। इसके बावजूद कांगा ने इस मिशन को नहीं छोड़ा और मुंबई के प्रभावशाली पारसियों के साथ मिलकर मृतकों का सम्मान पूर्वक निपटारा नामक एक कैंपेन चलाया। इस अभियान के माध्यम से उन्होंने अंतिम संस्कार के वैकल्पिक तरीकों की मांग उठाई। कांगा ने यह स्पष्ट किया
कि टावर ऑफ साइलेंस की पारंपरिक प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही थी और नए विकल्पों की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारे प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के लिए कुछ और तरीकों का होना आवश्यक है। एक प्रस्ताव यह भी रखा गया कि टावर ऑफ साइलेंस के पास ही एक शमशान घर बनाया जाए, लेकिन पारसी समुदाय की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था बॉम्बे पारसी पंचायत बीपीपी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद जो पारसी अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में न कराकर दाह संस्कार की ओर गए, उन्हें पारंपरिक सोच रखने वाले समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल टावर ऑफ साइलेंस के माध्यम से शवों के अंतिम संस्कार करने वालों को ही वहां बने प्रेयर हॉल में प्रार्थना करने की अनुमति दी जाती थी। जो लोग शवों को कहीं और दफनाते या जलाते थे, उन्हें टावर ऑफ साइलेंस के प्रेयर हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस नियम का सख्ती से पालन किया गया और दो ऐसे पारसी पुजारियों पर भी प्रार्थना हॉल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिन्होंने कहीं और शवों का अंतिम संस्कार कराया था। साल 2015 में पारसी समुदाय के एक समूह ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर वर्ली में पारसियों के लिए एक अलग शमशान घर का निर्माण कराया। यहां पारसी समुदाय के लोग दाह संस्कार के जरिए अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर सकते थे। इसी शमशान घर में सर रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। अब आपसे एक सवाल है, आपके घर में टाटा कंपनी के कौन कौन से सामान मौजूद हैं और आपने उन्हें किस भरोसे से खरीदा है? कृपया अपने जवाब कमेंट में जरूर साझा करें ताकि टाटा और उसके ग्राहकों के बीच का यह रिश्ता सबको समझ में आए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।